सर क्रांति की टीम आज जींद के एमएलए डॉक्टर हरिचंद मीडा की श्रद्धांजलि मंच पर पहुंचे हैं। हम दिखाते हैं यहां पर पहुंचे हुए सभी दिग्गज किस प्रकार की अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अंतर में विराजमान परमपिता परमात्मा हूँ, जिनकी महती अनुकंपा से हम चल फिर रहे हैं, प्रतिक्रिया क्रम कर रहे हैं। ब्रह्मलिंग आदरणीय श्री हरिचंद जी मिर्जा की याद में श्रद्धांजलि, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक मिनट के लिए हमारे गुरुजन श्री महेंद्र शाह जी कृपया यहीं पर आ जाइए, उन्हें आपका आशीर्वाद जरूरी है। इस प्रार्थनाशाला में उपस्थित सभी महानुभाव, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति, आज आप मेरे पूज्य पिताजी की इस प्रार्थनाशाला में आए, मैं दिल की गहराइयों से सारे समाज का आए हुए सभी लोगों का हल्का जीन और आए हुए सभी आज के साथी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, उन्होंने जो जीन में रह के नाम कमाया, चाहे वो राजनीतिक तौर पे कमाया हो चाहे वो सामाजिक तौर पे कमाया हो, हम तो बहुत साल पहले जीन में रहे हैं, उस टाइम तीन ही डॉक्टर मशहूर हुआ करते हैं, डॉक्टर मिड्डा, इनका भाई ईश्वर, डॉक्टर ये महावीर और डॉक्टर बिंदलीश, जो अपने टाउन हॉल में रहते हैं। तो लेकिन डॉक्टर मिड्डा तो बहुत भले इंसान थे, यानी हमेशा उनको ये रहता था भी कोई गरीब आदमी अगर पैसे नहीं दे सकता तो उसका इलाज भी मुफ्त करा करते, और मैंने उनके कभी चेहरे पर शिकन नहीं देखी, सबसे बड़ी बात, कभी उनके चेहरे पर मैंने गुस्सा नहीं देखा। और जहाँ तक अब उनकी विरासत की बात है, अब देखो वो हैं तो इनेलो पार्टी के एमएलए भी सेकंड टाइम बने हैं वो, और अब देखो भविष्य क्या कहता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इनके दाह संस्कार पर भी आए थे, आज चौटाला जी भी आए हैं, एमएलए भी काफ़ी आए हुए थे इनके, तो ये तो समय बताएगा। जैसा ये इनेलो पार्टी से एमएलए रहे हैं, हाँ, आज यहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न विभिन्न पार्टियों से जो नेता आए हुए थे, हमें ऐसा नहीं लग रहा था कहीं भी इन पे कोई हम दूसरी पार्टी के नेता है या ये हमारी पार्टी का नेता नहीं, क्या इस प्रकार का मले आपने भी महसूस किया? नहीं, उसका कारण यही है ना कि वो सबसे मिलजुल कर आया करते। अब आप मेरे को देखो, मेरे को बुखार है बहुत तेज़, वायरल चल रहे हैं, आपको पता ही है, चलो सबको वायरल हो चुके चुका, उनने भी आना था, लेकिन उनकी 5 बजे आ गई कैबिनेट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, और मैं बुखार में होते भी यहाँ आई ना, तो मैं भी सोच को थी मैं तो बीजेपी की हूँ, मैं तो चलो भी देखी जाएगी, तो वो इतने यानी प्यारे थे हर पार्टी के आदमी को, वो किसी पार्टी के ठीक है, वो एमएलए बेशक बने होने लो पार्टी से, लेकिन उनका जो कद था वो इन सबसे ऊपर उठ गया था। डॉक्टर हरिचंद मिड्डा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, और हम विधानसभा में बहुत हम उनका आदर करते थे, और आज उनकी जाने से जींद को बड़ी भारी क्षति हुई है। ऐसा परोपकारी इंसान बार बार जन्म नहीं लेता है। हम हरियाणा सरकार की तरफ से, पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके निधन के बाद जहाँ जींद जिले को एक बहुत बड़ी शक्ति हुई है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को उससे भी ज्यादा आज एक कमी महसूस हो रही है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में राजनीति से ऊपर उठ करके सब लोगों के साथ ताल्लुक बनाए। वो केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति थे। आज के जो लोगों की जो भीड़ है, आज जो लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हजारों की संख्या में जो आए हैं, वो इसलिए नहीं आए कि वो एक विधायक थे, वो इसलिए आए हैं कि उनका एक रिश्ता जो था वो आम आदमी के साथ था, और वो आम आदमी तक जो उन्होंने अपनी एक पहुंच बनाई, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। आदमी की पहचान तब होती है जब आदमी दुनिया छोड़ करके जाता है, जब दुनिया में रहता है तब तो उसके ऊपर सोच रह के उंगली उठाने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन जाने के बाद एहसास होता है कि ये व्यक्ति जो था ये व्यक्तित्व का धनी था,
इसलिए यहाँ लोगों के पास उनकी जगह की भरपाई कैसे हो आने वाले टाइम में, सर जींद में आज पर उसी तरह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान है, कैसे पूरा होगा इसके लिए देखना पड़ेगा। स्ट्राइक के पूरे प्रदेश भर में, तो यहाँ जींद में बस स्टैंड पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, रोड कर्मचारी सरकार ने रस दिखाई दे रही है, यहाँ पर कर्मचारी की मांग नहीं मान रही। सरकार जो है उसका रवैया प्रजातांत्रिक नहीं है, सरकार का रवैया जो पूर्ण रूप से आज तानाशाह है। अगर कोई भी कर्मचारी जिसको बारी बारी आप बुलाते हो अपने पास, बुला करके सब हम उनको हमेशा ये कह करके एक कंप्रोमाइज करके भेजते हो कि हम तुम्हारी डिमांड्स को पूरा करेंगे, हमें थोड़ा समय दो, और जब समय सीमा समाप्त होती है तो वो फिर से सरकार को आगाह कराने के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं, तो फिर उनको पुलिस के दंडों से एस्मा लगा करके अगर कोई दबाना चाहेगा तो ये तो प्रजातंत्र का हनन है पूर्ण रूप से। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस तरह से प्रजातंत्र का हनन नहीं होने देगी। मैं विधानसभा में मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि एस्मा क्यों लगानी पड़ी, उसका जवाब दे, क्योंकि उनके अपनी गलत नीतियों की वजह से सारा कुछ हुआ है, इसका जवाब पूछेंगे।